वेलकम स्टूडेंट्स, आइए हम एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 से डिस्कस करते हैं। चैप्टर 7 क्लास 9 के एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन है, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। आप डायग्राम भी देखेंगे, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी। दिस टू साइड्स ए डी एंड बी सी आर इक्वल, ये गिवन है। And angle DAB is equal to CBA. Angle DAB, this angle is equal to angle CBA. CBA, ये दोनों angles आपस में equal हैं. Then prove that triangle ABD is congruent to triangle BAC. Triangle ABD is congruent to triangle बी ए सी, ये हमें प्रूव करना है। साथ ही हमें प्रूव करना है बी डी इज इक्वल टू ए सी और एंगल ए बी डी इज इक्वल टू बी ए सी। ये तो सी पी सी टी से रिजल्ट आ जाएंगे, सिर्फ हमें ये प्रूव करने की जरूरत है। रेस्ट दोनों क्वेश्चन सी पी सी टी से हम लोग डायरेक्ट ही लिख लेंगे। ओके, तो इससे पहले दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम लोगों ने एक एग्जाम नंबर 7.1 देखा है और एक थ्योरम 7.1 देखा है। एग्जाम 7.1 में हमने देखा है साइड एंगल साइड रूल के बेसिस पर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और थ्योरम 7.1 में हम लोगों ने देखा है एंगल साइड एंगल के बेसिस पर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। हमें देखना है कि यहाँ कौन सा प्रॉपर्टी, कौन सा रूल, कौन सा क्राइटेरिया फिट हो रहा है और उस बेसिस पर हम इसको कॉन्ग्रुएंट कह पाएंगे। ओके, देखते हैं सॉल्यूशन। ज्योमेट्री में एक आंसर लिखने का, सॉल्यूशन लिखने का तरीका है, पहले जो गिवन होता है वो हमें लिखना है, फिर जो प्रूफ करना होता है वो लिखना होता है, फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करना होता है। तो गिवन हमें ये है कि AD is equal to BC और ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये लिख ही लेते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या क्या गिवन है, ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये गिवन है। अब हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। टू प्रूव ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी, देखते हैं कौन सा क्राइटेरिया, कौन सा रूल फिट होता है इस केस में। तो गिवन है AD इज इक्वल टू BC, तो दोनों जो ट्रायंगल्स प्रूव करने हैं उसमें एक तो क्राइटेरिया हमें ये मिल गया, ये साइड और इसका एक साइड इक्वल है। दूसरा DAB ये एंगल और CBA ये एंगल इक्वल है। अब क्या क्राइटेरिया हमें और मिलना चाहिए, अगर हम ये कह लें कि ये साइड दोनों में कॉमन है, दिस साइड ए बी इस ट्रायंगल में भी है, ए बी डी में भी है और ए बी सी में भी है, दिस साइड इज कॉमन, सो हम कह सकते हैं कि प्रूफ या सॉल्यूशन में हम लोग लिख रहे हैं जो गिवन है वो तो है ही। एक बार और लिख लेते हैं क्लैरिटी के लिए, AD is equal to BC, angle DAB is equal to angle CBA, ये given है conditions, और हम लिख लेते हैं AB is equal to AB, ये क्या है, ये common side है, this is common side in both the triangles, तो फिर हमें side, angle, side का criteria मिल जाता है, side, corresponding sides equal है दोनों triangle में, एंगल्स इक्वल है दोनों ट्रायंगल में और एक कॉमन साइड भी दोनों ट्रायंगल में है, तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो ट्रायंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीएसी, ये फर्स्ट पार्ट हम लोगों का, ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकेंड हमें प्रूव करना है बीडी इज इक्वल टू एसी,
कैसे प्रूव करेंगे? जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो ही गए ABD और ABC, तो फिर BD इज इक्वल टू AC हो ही जाएगा किससे? CPCT से. सो इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC, हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? BD इज इक्वल टू AC, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं. तो ये CPCT से, CPCT मींस करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल. इसी तरह से हम थर्ड व्हील डायरेक्ट लिख सकते हैं, एंड इसमें ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC. एंगल ABD कौन सा है? ABD ट्रायंगल में ABD एंगल ये हुआ और BAC एंगल, BAC ट्रायंगल में ये BAC है, तो इसमें BAC एंगल कौन सा होगा? ये BAC एंगल होगा, BAC. तो ये दोनों एंगल CPCT से इक्वल हो जाएंगे. तो थर्ड में भी हम कह सकते हैं कि आल्सो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC. सिर्फ बाय CPCT लिख देना ही काफी होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं. ये एस्टैब्लिश्ड रूल है, इसलिए इसको ज्यादा कुछ फर्दर लिखने की जरूरत नहीं है. तो इस तरह से ये सभी केसेस, सभी पार्ट्स इस क्वेश्चन के यहाँ प्रूव हो जाते हैं. क्लियर? बहुत सिंपल है, बट थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है ज्योमेट्री में. आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए, डेफिनेटली हम लोग ज्योमेट्री पर कमांड करेंगे और एग्जामिनेशन में भी काफी अच्छा स्कोर कर पाएंगे. तो आप बने रहिए चैनल के साथ, वीडियोस के साथ. हम अगले वीडियो में भी इसी एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर 7 से और भी क्वेश्चन सीरियली प्रोसेस करेंगे, सॉल्व करेंगे. थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट.